सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 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 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सगे भाई ने ही अपने भाई की हत्या करने की साजिश रच डाली। पुलिस ने आरोपी भाई और एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी चार आरोपियों की तलाश जारी है। वाहिद हत्याकांड की गुत्थी बाराबंकुन पुलिस ने आखिर सुलझा ही ली। पुलिस की पूछताछ में वारदात का खुलासा करते हुए मृतक के सगे छोटे भाई शहीद ने बताया कि उसका वाहिद से प्रॉपर्टी का पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने हत्या की ये साजिश रची। शहीद ने बताया कि उसने इसके लिए शूटरों को 1,00,000 रुपए की सुपारी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी भाई और एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस आरोपी भाई के साले और 3 शूटरों की तलाश कर रही है। मामला बाराबंकी जिले का कोतवाली नगर के मोहल्ला बड़ैल से जुड़ा हुआ है, जहां के निवासी वाहिद खान बीती 24 जुलाई किसी का फोन आने के बाद घर से निकले थे। बड़ैल में हवाई पर कार सवार बदमाशों ने मृतक वाहिद को मिट्टी संबंधित काम और लेनदेन के बहाने कार में बिठाया और उसका अपहरण कर ले गए थे। वाहिद ने अपनी बाइक वहीं मौके पर सड़क किनारे खड़ी कर दी थी, जिसके बाद बदमाशों ने चलती कार में वाहिद को गोली मारकर रामनगर थाना क्षेत्र एक गांव के पास फेंक कर फरार हो गए थे, जिसके बाद मृतक के चचेरे भाई एनू लहक ने कार सवार अज्ञात बदमाशों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आज बाराबंकी पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। सर, किस तरह की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था, क्या कुछ इनपुट मिले जिसके बाद वकालत हुआ, कौन कौन लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं, क्या कुछ उनका? ये विगत दिनों 24 जुलाई को थाना रामनगर में दिन दहाड़े एक संगीन घटना घटित हुई थी, जिसमें स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति को वाहिद नाम के व्यक्ति को अगवा करके गोली मार करके फेंक दिया गया था। काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, इसमें काफ़ी चर्चा हुआ था। पुलिस ने तत्काल घटना का निरीक्षण किया था, मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस इसकी तफ्तीश भी थी और 27-28 की तारीख के आसपास केस तो वर्कआउट कर लिया था। ये बात तथ्य आ गए थे कि इसके भाई से इसकी रंजिश चल रही थी और उसने लोगों को हायर करके इसमें किया था। पुलिस जांच पड़ताल में थी और इसी बीच में 3 तारीख को इन पर पुरस्कार घोषित किया गया था। ये वांछित अभियुक्त थे, 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित किया था और आज सवेरे इनकी गिरफ्तारी की गई थी। घटना का मुख्य वजह जो मोटिव था वो भाइयों के बीच में आपसी प्रॉपर्टी को विवाद को लेकर के बंटवारे को लेकर के था। वाहिद नाम के व्यक्ति जिसके जो मृतक था उसने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया था करीब 7 महीने पहले और उसमें मार के बता रहे, ये भी आरोप लगा रहे थे कि हाथ पर तोड़ दिया था, संपत्ति से बेदखल कर दिया था। उसको लेकर के इसने अपने भाई की हत्या के लिए 90,000 रुपये में ठेका देना बताया था, जिसमें उसने 50,000 रुपये एडवांस भी दे दिया था। बाकी और उसके साथी लोग इन लोगों ने मिल करके इस हत्या को अंजाम दिया था। घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली है पुलिस ने, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 4 व्यक्ति वांछित हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और पुलिस को इसके लिए 25,000 रुपये जो पुरस्कार